एक ओर कौशाम्बी में शाह का हल्ला बोल था तो दूसरी ओर सपा विधायक और उनके समर्थकों का हंगामा, गुस्सा शाह के कार्यक्रम को लेकर। दरअसल पल्लवी पटेल को अमित शाह के कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया था। कहा गया कि पल्लवी पटेल बिना इनविटेशन के ही कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, जिसका उद्घाटन अमित शाह को करना था। कहा गया कि पुलिस को खबर थी कि वो महोत्सव में हंगामा कर सकती हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं पल्लवी पटेल ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की, सवाल उठाए। उनका कहना है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, सिराथू से विधायक हैं, उनको कार्यक्रम में जाने का पूरा हक है और ये उनके हक को छीना जा रहा है। आज जनपद कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें देश के माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत कर रहे उपस्थित होंगे। और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है तो ये मेरा दायित्व है और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनके स्वागत में रहूं और उस कार्यक्रम में शिरकत करूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या परमिशन जैसी चीज़ों का हवाला दे करके मुझे यहाँ रोका गया है, जो कि मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। जिस विधानसभा में महान हस्तियां देश की शिरकत कर रही हो, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा कर के उनका स्वागत करूं, और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। तो आपको रोका जा रहा है? जी, अभी तक तो फिलहाल रोका ही जा रहा है जी। पल्लवी पटेल को यूं हाउस अरेस्ट किए जाने पर उनके मंझनपुर SDM प्रखर उत्तम और CO सिराथू अवधेश विश्वकर्मा से हल्की फुल्की बहस भी हुई। पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए इन्विटेशन कार्ड मिला था, लेकिन बाद में उन्हें फोन करके मना कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। पल्लवी पटेल ने अपने घर पर पुलिस की तैनाती की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपने हाउस अरेस्ट की खबर जैसे ही साझा की, ये खबर मिलते ही पल्लवी पटेल के घर पर कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए। लाजमी है कि इस मुद्दे के सहारे अब सपा बीजेपी को घेरेगी। आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य को करारी शिकस्त दी थी। कहा गया कि अपना दल कमेरावादी के साथ सपा के गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में पूरे कौशाम्बी के समीकरणों को बदल कर रख दिया और बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। वैसे पल्लवी अपने तेवरों के लिए जानी जाती हैं। अब क्या फिर से वो बीजेपी से इस मुद्दे को लेकर भिड़ जाएंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट किया गया है, उस पर भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।